अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची 24 लाइव में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मौसम की एक बहुत ही बड़ी अपडेट है मानसून 2022 के हवाले से। बारिशों के इम्कान हैं कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। कराची में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बारिशें होंगी, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। और साथ ही साथ मानसून की एक और बहुत ही बड़ी अपडेट है, मुकम्मल तफसीलात आपको बताएँगे। उससे पहले आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मौसम की लम्हा बा लम्हा अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब मानसून अब आने वाला है और हमने आपको बताया था कि 25 जून तक इंशाल्लाह मानसून पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मोजो जो है कि वो अब पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान के हक में हो चुका है। और साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़ी खबर ये भी है कि जो जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि मगरबी बारिशें जो होती हैं वो मगरबी हवाओं से, और इसी तरह जो मानसून की बारिशें होती हैं वो मानसून की जो जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं, खासतौर पर ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, उसकी वजह से होती हैं। अब 20 से 22 जून 2022 के दौरान जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी, यानी कि तिब्बत प्लेटो पे एक हवा का कम दबाव बनेगा जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर की वजह से मानसून की जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी, और इसके दाखिल होते ही मानसून बारिशें लगातार, मानसून बारिशों के स्पेल, मानसून बारिशों के लो प्रेशर अब लगातार पाकिस्तान की तरफ और ख़ास तौर पर सिंध और साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ आएँगे। तो ये हवाएं तभी आती हैं जब हाई प्रेशर जो ईरान का होता है वो जब ख़त्म हो जाता है। यूँ समझ लें कि जब ये हाई प्रेशर बन जाता है इंडिया की तरफ, यानी कि इंडिया की तरफ जो कि ईस्टर्न विंड्स को पैदा करता है, यानी मानसून हवाओं को पैदा करता है, जब ये सिस्टम बन जाता है उसके बाद जो ईरान पे हाई प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। और ये ख़त्म होता आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि मानसून बारिशों के स्पेल लगातार हमारे पास आएंगी, और इंशाल्लाह पहला बारिशों का स्पेल 23 से 25 जून 2022 को सिंध में दाखिल होगा, और उसके बाद लगातार बारिशों के स्पेल आते चले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी और मूसलाधार बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं ईद से पहले, और जुलाई से पहले भी काफ़ी अच्छी बारिशों के इम्कान हैं हमारे पास, और बहुत ही अच्छे स्पेल बारिशों के हमारे पास आने वाले हैं। और अब सिर्फ चंद दिनों के इंतज़ार करें और बहुत ही अच्छी और मूसलाधार बारिशें इंशाल्लाह पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में और पूरे कराची के तमाम इलाकों में इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी और मूसलाधार तूफ़ानी बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा, शाम को एक और अपडेट आएगी और रात को इंशाल्लाह आज हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।